जोन चार के अंतर्गत आज एक कॉम्बिंग अभियान चलाया गया था। इस कॉम्बिंग अभियान में 9 थानों का बल, थाना प्रभारी, तीनों हमारे एसीपी सावन में हम लोग शामिल हुए थे। कुछ बल रिजर्व लाइन से बल भी आया था। इस पूरे कॉम्बिंग अभियान में 4 घंटे कार्रवाई की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें लगभग 270 अपराधियों पर इसमें जो है विभिन्न धाराओं में, विभिन्न कैटेगरीज में कार्रवाई की गई है। इस अभियान में 24 स्थायी वारंटियों को पकड़कर स्थायी वारंट तामील कराए गए हैं। 28 गिरफ्तारी वारंटी गिरफ्तार हुए हैं। 67 जमानती वारंटियों को पकड़ा गया है। गुंडा जो है लिस्टेड गुंडों को 63 लिस्टेड गुंडों पर कार्रवाई हुई है। निगरानी बदमाश लगभग 45 जो है इसमें पकड़े गए हैं। कुछ थानों का फिगर अभी रह गया है। आबकारी एक्ट अंतर्गत 8 कार्रवाइयाँ हुई हैं। एनडीपीएस एक्ट में 6 कार्रवाइयाँ हुई हैं। आर्म्स एक्ट में 8 कार्रवाइयाँ हुई हैं। जो एक्ट में 3 कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसके अलावा अन्य विभिन्न अपराधियों को पकड़ा गया है। लगभग 270 अपराधियों पर इसमें कार्रवाई की गई है। कई इंटरेस्टिंग इवेंट्स भी आए हैं कि जब गुंडे जो है बकरियों के बीच में छुप गए और उसके बाद जब पुलिस गई तो बकरियों के मेहमान की आवाज आई और पुलिस अंदर घुसी तो वो बकरियों के बीच छुपा मिला। ऐसे कई इंटरेस्टिंग इवेंट भी हुए। कुल मिला के अपराधियों को सख्ती से कार्रवाई, नकेल कसने के हिसाब से कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई थी। इसमें बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।